हरिपुर नाम के गांव में अनामिका नाम की 20 साल की लड़की रहा करती थी। दिखने में वो बहुत ही सुंदर थी, पर उसके दो मायावी लंबे हाथ के कारण गांव के सारे लोग उससे परेशान रहते थे। घर वाले भी बहुत परेशान रहते थे, क्योंकि वो जिस किसी के ऊपर भी हाथ लगाती थी वो बिल्कुल उल्टे पदार्थ पे पलट जाते थे। वो सोने के ऊपर हाथ लगाती थी तो मिट्टी में पलट जाता था, और किसी कीमती चीज पर हाथ लगाते ही वो चीज गायब हो जाती। एक बार शादी के रिश्ते के लिए लड़के वाले उसके घर पर आए। पहले तो लड़का अनामिका के लंबे हाथ देखकर डर गया, और ऊपर से जब वो लड़का अनामिका से हाथ मिलाया तो उसके हाथों के अंगूठियां मिट्टी में पलट गए। वो देखकर वो लड़का चौंक गया, और वो लड़का अनामिका के पिता से, तुमने अपने बेटी को पैदा किया या फिर कोई मायावी चुड़ैल को? तुम्हारी बेटी से अगर मैं शादी करूंगा तो बर्बाद होना तो निश्चित है, साथ साथ मुझे आजू बाजू वालों के हाथ पिटाई भी होगी। एक चुड़ैल को पैदा करके आप मेरे गले में फंदा डालना चाहते थे? मैं तो आपके खिलाफ पुलिस में जाकर कंप्लेंट लिखाऊंगा। अनामिका के पिता लड़के के पैर पर गिर गए, और वो रोते हुए उस लड़के से, देखो बेटा, हमें माफ कर दो, हमारी किस्मत फूट गई थी जो ऐसी लड़की हमारे घर पर पैदा हुई। आप अगर हमारे खिलाफ कंप्लेंट देंगे तो हम पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। मैं किसी को मुंह दिखाने का लायक भी नहीं रहूंगा, भारी बिरादरी में मेरा नाक कट जाएगा। तब वो लड़का अनामिका के पिता के ऊपर दया दिखाया, और वो तरस दिखाते हुए कहा, मैं समझ सकता हूँ कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। घर में चुड़ैल जैसी बेटी अगर रहती है तो माँ बाप का दर्द क्या होता है मुझे समझ में आता है। ठीक है, अब बड़े आदमी है इसलिए मैं आपके खिलाफ पुलिस पे कंप्लेंट नहीं दूंगा। मेरे जो 4 अंगूठियां गए हैं मुझे वो अंगूठियां वापस चाहिए। आप मुझे अभी के अभी उस अंगूठे के वर्तमान के दाम के मुताबिक पैसे दे दीजिए, और मैं यहां से निकल जाऊंगा। अनामिका के पिता बेटी की शादी के लिए जो पैसा बचा कुचा के रखे थे वो पैसा उसे दे दिया। वो लड़का वहां से निकल गया। पड़ोस के गांव में शारदा और प्रसाद नाम का पति पत्नी रहते थे। उनका इकलौता बेटा रमेश पैदाइशी बोना था। शारदा और प्रसाद बोना बेटे के लिए हमेशा परेशान रहते थे। उम्र 30 हो चुकी थी पर कोई उससे शादी नहीं करते थे। एक दिन अनामिका के पिता पड़ोस के गांव में व्यापार के सिलसिले में आए, तब उसकी नजर बोना रमेश के ऊपर गिरा, और वो तुरंत जाकर उसके माँ बाप के पास पहुंचा। अनामिका के पिता ने अनामिका के बारे में सब कुछ सच बता दिया। रमेश के माँ बाप उस रिश्ते के लिए तुरंत हाँ बोल दिए। बोना रमेश और लंबे हाथ वाली अनामिका के बीच शादी हो गई। शादी में आए सभी लोग उन दोनों को देखकर हंसे। रमेश और अनामिका के बीच सुहागरात तो रची नहीं, पर वो दोनों एक दूसरे के करीब कभी नहीं आए। दिन बीतते गए, रमेश और अनामिका के बीच गृहस्थ जीवन जैसे की तैसे ही रहे। ये देखकर रमेश की माँ शारदा बहुत परेशान हो गई। वो चाहती है कि उसके घर एक पोता पैदा हो। एक दिन वो अनामिका के पास आकर, बेटी अनामिका, मुझे पता है रमेश को तू पसंद नहीं करती। कोई भी औरत एक मौने इंसान से प्यार नहीं कर सकती। मैं मानती हूँ कि तुम्हारे हाथ बहुत लंबे हैं, पर तुम बहुत खूबसूरत हो, और एक खूबसूरत लड़की के मन में बहुत सारी उम्मीदें छुपी होती है। एक औरत होने के नाते मुझे सब कुछ पता है, पर मैं तुम्हारे सामने गुजारिश कर रही हूँ बेटी कि तुम एक बार रमेश के मन के अंदर झांक कर देखो। बेटी, माँ जी वैसी कोई बात नहीं है। जिस दिन मेरी शादी उनसे हो गई उसी दिन वह मेरे पति हो गए। वह खुद मेरे पास नहीं आना चाहते, तो मैं अपना लज्जा छोड़कर उनके पास तो नहीं जा सकती ना। वो कब मेरे पास आएंगे उस बात की मैं राह देख रही हूँ। जिस दिन वह आएंगे मैं तहे दिल से उनको अपनाऊंगी। बेटी, वह कभी तुम्हारे पास नहीं आएगा, क्योंकि उसकी कमजोरी क्या है उसे पता है। तुम्हारे पापा ने कहा था ना, तुम्हारे लंबे हाथ में जादू है। तुम अपने लंबे हाथों से एक बार रमेश को छू कर तो देखो, तुम्हारे हाथों की कला से कोई चमत्कार तो हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारे सांसारिक जीवन में सुधार आएगा बेटी। अनामिका तुरंत शारदा की बात मानती है, और वो उसी रात जब रमेश सोया रहता है उसके सर के ऊपर अपना हाथ फेरती है। पलक झपकते ही रमेश 6 फुट का हट्टा कट्टा नौजवान में पलट जाता है। रमेश को देखकर अनामिका को पहले ही नजर में प्यार हो जाता है। सुबह होते ही रमेश जब आईने के सामने खड़ा होकर अपने आप को देखता है तो वो कुछ चौंक जाता है। रमेश के माँ बाप शारदा और प्रसाद भी चौंक जाते हैं। अब वो गांव में सीना तान के चलता है। शारदा और प्रसाद उस परिवर्तन को लेकर खुश होते हैं। शारदा सोचती है कि अब रमेश और अनामिका के पारिवारिक जीवन में सुधार आएगा, पर रमेश के अंदर बदलाव आ जाता है। अब वो अपने माँ बाप के पास जाकर अनामिका के खिलाफ बोलता है।
माँ और बाबूजी, आप दोनों कान खोलकर सुन लो। मुझे उस चुड़ैल के साथ नहीं रहना है। मैं अब बहुत सुंदर दिख रहा हूँ, मुझे वो लंबे हाथ वाली चुड़ैल नहीं पसंद है। मेरे लिए तो अब बहुत सुंदर बालिकाएं कतार में खड़े रहेंगे। आप कुछ भी करके उस चुड़ैल को घर से बाहर निकाल दीजिए। उसकी बात सुनकर शारदा को गुस्सा आता है और वो गुस्से में जाकर रमेश को थप्पड़ मारती है। रमेश तब चेतावनी अंदाज में बोलता है, खबरदार माँ, आज के बाद मुझे मारने की कोशिश की तो मैं ये भी नहीं सोचूंगा कि आप दोनों मेरे माँ बाप हैं। आप अभी के अभी उस चुड़ैल को घर से निकाल दीजिए, वरना मैं आप दोनों को निकाल दूंगा। उसी गांव में सुशीला नाम की एक लड़की रहती है। वो बहुत खूबसूरत रहती है। सुशीला रमेश के चेहरे को देखकर प्यार करने लगती है और सुशीला और रमेश के बीच प्यार हो जाता है। एक दिन सुशीला आकर रमेश से, रमेश मैं तुम्हें हजार बार पूछ चुकी हूँ कि तुम मुझसे शादी कब करोगे। अगर तुमने अपनी बीबी को जल्द से जल्द तलाक नहीं दिया तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। पता है ना कि इस गांव में तुम्हारे साथ मेरे अलावा कोई भी शादी नहीं करेगा, क्योंकि सबको पता है। सुशीला मेरी जान, क्यों गुस्सा होती हो? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उस चुड़ैल को तो मैं छोड़ के ही रहूंगा, बस तुम थोड़े दिन का इंतजार करो। जल्द से जल्द हम शादी करेंगे और अच्छे से जीवन बिताएंगे। रमेश तब जाकर अपने माँ बाप के पास पहुँचता है। वो अपने माँ बाप के पास पहुँच कर चिल्लाता है, माँ मैंने कितनी बार कहा है कि उसे घर से निकाल दो, आज अगर आप लोग उसे घर से नहीं निकालोगे तो मैं जहर खा के मर जाऊंगा। रमेश की बात सुनकर अनामिका घर से निकलने की कोशिश करती है, तब रमेश की माँ आकर रोकती है। बेटी तुम कहाँ पर जा रही हो? मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। तुम्हारी वजह से वो नालायक इतना अच्छा इंसान बना है, इतना सुंदर दिख रहा है, वो तुम्हारी वजह से। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, तुम घर पर रहोगी। वो कहीं पर जाकर मरे, अगर वो मर गया तो मैं सोचूंगी मेरा एक बेटा मर गया और एक बेटी के रूप में मैं तुम्हें स्वीकार करूंगी और मैं तुम्हें बेटी मानकर चलूंगी। माँ जी मैं जानती हूँ कि आप मुझे बेटी मानती हैं, लेकिन माँ जी वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। पर ऐसे पसंद किए बिना रहना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है माँ जी। पर मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ, लेकिन मुझे यहाँ नहीं रहना है माँ जी। शारदा अनामिका का हाथ लेकर सर पे रखती है और उसे विनती करती है, तुझे मेरी कसम है तू अगर जाएगी तो वो नालायक नहीं मैं मरूंगी। बेटी तुम घर से मत जाओ, ये मत सोचो कि सास बोल रही है, ये सोचो कि माँ बोल रही है। बेटी रुक जाओ ना। शारदा की बात सुनकर अनामिका रुक जाती है। रमेश जाकर सुशीला के पास पहुँचता है, घटी हुई सारी बातें बोलता है। तब सुशीला गुस्सा होकर रमेश से, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूँ, अगर वो आज घर से नहीं गई ना तो मैं तुम्हें सदा के लिए छोड़ दूंगी। उसके बाद तुम नदी में जाकर डूब मरो या जहन्नुम में जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तब गुस्से में रमेश आता है और अनामिका को धक्का मार के बाहर निकाल देता है। अनामिका के साथ साथ अपने माँ बाप को भी घर से निकाल देता है। रमेश बाइक लेकर घर से तेजी से निकल जाता है। अनामिका सास ससुर को लेकर पैदल निकल जाती है। रमेश बाइक में तेजी से हाईवे के ओर गाड़ी चलाते हुए जाता है, तभी सामने से एक बहुत बड़ा ट्रक रमेश की ओर आता है। रमेश ट्रक की तेजी को देखकर अपना आपा खो बैठता है। रमेश की गाड़ी और ट्रक दोनों ब्रिज के ऊपर होते हैं, तभी अनामिका भी उसी ब्रिज के ऊपर चलती है। ट्रक रमेश की गाड़ी को टकराती है। रमेश बाइक से स्किड होकर नदी में गिरने ही वाला होता है, तब अनामिका भागते हुए आकर अपने लंबे हाथों से रमेश को पकड़ लेती है, रमेश की जान बचाती है। रमेश तब अनामिका के पैरों के ऊपर गिरकर माफी मांगता है और वो अनामिका को गले लगाकर अपने घर वापस लेकर आता है। जब सुशीला को ये बात पता चलती है तो वो भागते हुए रमेश के यहाँ पहुँचती है। रमेश तुमने मुझे धोखा दिया, मुझसे वादा करके फिर से उस चुड़ैल के साथ रहने लगे। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस में कंप्लेन दे दूंगी, समझ जाना। खबरदार अभी क्या अभी तुम उसे छोड़ोगे या मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूं। रमेश गुस्से में आकर सुशीला को धक्का मारता है और धक्का मार के गुस्से में सुशीला को बोलता है, ए सुशीला तू अपनी जबान बंद कर, मेरी गलती थी कि मैं अनामिका को पहचान नहीं पाया। वो मेरी पत्नी है, पत्नी रहेगी और हमेशा के लिए वही मेरी पत्नी है। तुझे जो करना है कर, निकल यहाँ से, दफा हो जा। सुशीला घर से निकल जाती है। सुशीला जाने के बाद वो अनामिका को गले लगाता है। उस दिन के बाद रमेश और अनामिका हंसी खुशी जीवन बिताते हैं। एक साल के अंदर उनके यहाँ सुंदर सा बालक होता है। सुशीला को गुस्सा आता है और वो जाकर रमेश के खिलाफ कंप्लेंट देती है। तो रमेश जाकर सुशीला के खिलाफ कंप्लेंट देता है। पुलिस कंप्लेंट वापस लेकर सुशीला को ही कटघरे में खड़े करते हैं।
तपती गर्मी में बिना पैरों में चप्पल पहने हरीश और भव्या भागते हुए जाते हैं। उनसे थोड़ी ही दूर पे शारदा थी। उन्हें भागते हुए देखकर पकड़ने के लिए पीछे पीछे वो भी भागती है। अरे रुको, बहुत तेज गर्मी है, पैरों में चप्पल भी नहीं है। मेरी बात सुनो, तुम लोग भागना बंद करो और वापस घर चलो। हम नहीं आएंगे, हम माँ के पास जाएंगे और उन्हीं के साथ रहेंगे। मंदिर में तुम्हारी माँ छाँव में नहीं बैठी है, चिलचिलाती धूप में छतरी लेके बैठ के वहाँ पे फूल बेच रही है। मेरी बात सुनो, तुम लोग लौट के आ जाओ। वैसे भी शाम होते ही तुम्हारी माँ घर लौट आएगी, तब हम बात कर लेंगे। बात लेट हो जाती है माँ के आते आते, तब तक हम सो जाते हैं। फिर जब हम सुबह उठते हैं तो देखते हैं माँ नहीं आप है। आपके साथ साथ तो घर में बहुत ज्यादा गर्मी है, ऐसा नाश्ता देती है कि खाने को मन भी नहीं करता। बाहर सोचे कि खेलने जाओ तो भी गर्मी, और घर पे बैठ के टीवी देखो तो भी गर्मी, बात करो तो गर्म, किसी भी चीज को छुओ तो गर्म। गर्मी और गर्मी, उस घर में अब हम नहीं रह सकते हैं, हम माँ के पास जाएंगे। इस तरह कहकर हरीश और भव्या गरीब बहू रानी अनामिका, जो कि फूल बेच रही थी मंदिर के बाहर, उसके पास भागते हुए जाते हैं। बच्चों को वहाँ देखकर अनामिका चिंतित हो जाती है। पीछे पीछे शारदा आती है, वो भी बेहोश होने की हालत में। अरे माँ जी, क्या हो गया? पहले हरीश और भव्या ऐसे भागते हुए आए, फिर आप पीछे पीछे भागते हुए आ रही है। किसी कुत्ते पे पत्थर फेंका है क्या, या फिर किसी सोते हुए बैल के पूंछ पकड़ के आप लोगों ने खींचा हो और वो भगा रहा हो? हुआ क्या माँ जी? कुछ नहीं हुआ बहू, अपने बेटा और बेटी जो कि पहले तुम्हारे पास भागते हुए आए हैं, उनसे पूछो, उसके बाद मैं बताती हूँ। क्या हो गया बच्चे, तुम लोग इस तरह से भागते हुए यहाँ पे क्यों आए? घर बहुत गर्म है, जो कुछ हम छूते हैं उसमें गर्मी लगती है, हम घर पे नहीं रह सकते वहाँ। इसीलिए शाम तक हम आपके साथ मंदिर में रहेंगे, फिर आपके साथ ही घर लौट जाएंगे। यहाँ मंदिर में घर से ज्यादा गर्मी है, मेरी बात सुनो बच्चे, जाओ तुम लोग दोनों घर वापस लौट जाओ। बच्चे अगर घर पे रहे तो बहू उनके लिए कूलर चाहिए। हाँ माँ, हमें एक कूलर चाहिए, अगर आप कूलर खरीद के दी तो हम घर पे रहेंगे, नहीं तो हम आपके साथ यहीं मंदिर में रहेंगे। कूलर खरीदने के लिए हमारे पास उतने पैसे नहीं है, मेरी बात सुनो घर लौट जाओ। वो बात नहीं है माँ, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि आपके पास कूलर के लिए पैसे नहीं है, आप एक बार कूलर की दुकान गई नहीं, देखी भी नहीं। आप इस तरह से कह रही है, इसका मतलब यही है कि आप पहले से सोच लिए कि कूलर नहीं खरीदना है। बच्चे, मेरी बहू इस तरह की बात क्यों करेगी भला, अगर नहीं है तभी वो कह रही है कि नहीं है, या वो पहले ही तुम लोगों को बिना बता के दुकान में गई हो और उसे बहुत महंगा लगा हो। हाँ बच्चे, दादी बिल्कुल सही कह रही है, मुझे पता है कि हमारा घर कितना गर्म हो जाता है, इसीलिए तुम लोगों को बिना बताए मैं कूलर की दुकान में गई थी, वहाँ कूलर बहुत महंगे मिल रहे थे और हमारे पास उतने पैसे नहीं कि हम उतना महंगा कूलर अपने घर के लिए खरीद के ले आए। चलो बच्चे घर चलो, बाहर बहुत तेज धूप है, घर वापस चलो, माँ तुम्हारी फूल बेचकर शाम तक घर लौट आएगी, अभी घर चलो बच्चे। इस तरह सास बहू चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन हरीश और भव्या उनकी एक बात नहीं सुनते। ठीक है माँ, एक बार हमारे खातिर कूलर के दुकान में चलो, अगर हमें वहाँ पे जाके लगा कि कूलर बहुत महंगे बिक रहे हैं, फिर मैं और बहन आपसे कभी भी कूलर खरीदने के लिए नहीं कहेंगे, फिर आपके कहे मुताबिक हम घर पे रह जाएंगे, क्या कहती हो बहन? बिल्कुल सही कहा भैया। बहू, हम चाहे कूलर के बारे में कुछ भी क्यों ना कह ले, पर ये सुनने वाले नहीं, तुम इन्हें लेकर कूलर के दुकान में जाओ, मैं तब तक यहाँ पे फूलों के दुकान में बैठती हूँ, जाओ जाके इन्हें कूलर दिखा कर लेकर आओ। वो बात नहीं है माँ। दुखी मत हो बहू, जाओ बच्चों को ले जाओ, चाहे कितना भी महंगा क्यों ना हो कूलर, उन्हें दिखा के ले आओ, वो देखेंगे अपनी आंखों से तभी उन्हें विश्वास होगा। सासुमा शारदा की ऐसी बातें सुनकर बहू अनामिका मन ही मन कहने लगती है, ठीक है माँ जी, बच्चों को लेकर मैं पास के ही कूलर के दुकान में जाती हूँ, आप तब तक ये फूलों का दुकान देखते रहिएगा। ठीक है बहू,
ख्याल रखना तुम, मैं दुकान संभाल लूंगी। शारदा के इस तरह से कहने पर अनामिका हरीश और भव्या को साथ लेकर पास के ही कूलर के दुकान में जाती है। वहाँ पे तरह तरह के कूलर रखे हुए थे और वहाँ पे ढेर सारे ग्राहक भी थे। हरीश और भव्या कूलर के दुकान में जाके बड़े ही आश्चर्य होकर देखने लगते हैं। वहाँ पे देखते देखते एक घंटा निकल जाता है, तभी भी बच्चे कूलर देखे ही जा रहे थे। वहाँ पे एक बड़ा सा कूलर देखकर हरीश कहता है, माँ माँ इस कूलर को देखो, मुझे और बहन को ये कूलर बहुत पसंद है, माँ इसे ले लो ना। हाँ माँ, ये कूलर देखो कितना बड़ा है, इस कूलर से हम सभी का हो जाएगा। अरे रुको बच्चे, पहले इस कूलर का रेट तो पूछ लेने दो। ऐसा वो कह ही रही थी तब तक दुकानदार वहाँ पे आ जाता है। बताइए मैडम, कौन सा कूलर आपको चाहिए? ये चाहिए, ये चाहिए, हमें ये दे दो। बच्चे थोड़ा शांत हो जाओ, हम लोगों को जरा बात करने दो। इस तरह कहने पर हरीश और भव्या शांत हो जाते हैं। भाई साहब ये कूलर कितने का है? 15,000 बहन। ये सुनकर अनामिका फिर एक शब्द भी नहीं कह पाई। अगर आप कहेंगी तो 1,000 कम कर सकता हूँ, 14,000 लगेंगे कूलर के। मेरे पास उतने पैसे नहीं है भाई साहब। इतना कहकर उस दुकान से निकल के अनामिका बच्चों को लेकर अपने फूलों के दुकान में लौट आती है। हरीश और भव्या रोने लगे, शैतानी करने लगे और उस बड़े से कूलर के लिए जिद करने लगे। चाहे अनामिका उन्हें कितना भी समझाए वो सुनने को तैयार ही नहीं। इस बात से अनामिका को गुस्सा आ जाता है और एक छड़ी लेकर वो बच्चों को बहुत पीटने लगती है। देख के शारदा को बड़ा गुस्सा आता है। अरे बहू जरा रुको, इस तरह बच्चों को कोई पीटता है क्या? इस तरह शारदा अनामिका को डांट फटकार लगाती है और बच्चों को वहाँ से लेकर घर चली जाती है। जिन हाथों से वो बच्चों को मारी थी उन हाथों को देखकर अनामिका, मुझे माफ कर देना बच्चे, आज महसूस हो रहा है कि काश तुम लोग दोनों अमीर घर में पैदा होते। वो कहकर दुखी हो रही थी तब तक वहाँ पर माधवी आती है। अरे अनामिका तुम बच्चों को उस तरह से क्यों मार रही थी? अपनी गरीबी को तो नहीं मार सकती हूँ ना, इसीलिए बच्चों को मार रही थी। ये गर्मी हम ही नहीं सह पा रहे हैं तो बच्चे कैसे सहेंगे बताओ। तो क्या हम अपने औकात से ज्यादा सोचे, तुम्हें बताओ कैसे होगा? बच्चों के लिए करना पड़ता है अनामिका। मैं नहीं कर सकती हूँ माधवी, हमें कूलर कम भाव में भी तो मिल सकते हैं ना। वो सब बहुत छोटे हैं, सिर्फ एक ही को हवा लग पाएगा, बाकी लोग क्या करेंगे तुम्हें बताओ। फिर अभी हाल ही में मैंने पढ़ा था कि किसी ने बहुत ही सस्ते दाम में कूलर बनाया है। क्या कहा? हम अपने से कूलर भी बना सकते हैं क्या? हाँ अनामिका, किसी टेक्नीशियन से पूछ के देखो। कहकर माधवी वहाँ से चली जाती है। इसी तरह दो दिन निकल जाते हैं। अगर उनके कहे मुताबिक मैं बनाऊं, फिर तो गरीब लोगों को भी कूलर मिल सकता है, उससे बहुत पैसे भी बच जाएंगे, पर ये कूलर मैं बनाऊं कैसे? इस तरह से वो सोचने लगती है। फिर मंदिर से थोड़ी ही दूर पे जाने के बाद उसे बांस की झाड़े दिखती है। तभी अनामिका को बांस से कूलर बनाने की एक अच्छी सी तरकीब आती है। फिर घर पे अपने पति रमेश, ससुर जी प्रसाद, उनकी मदद से वो बच्चों के लिए बांस से एक बड़ा सा कूलर बना लेती है। फिर कूलर को ऑन किया जाता है। उस बांस के कूलर से ठंडी ठंडी हवा आने लगती है। ये देखकर भव्या और हरीश बहुत खुश होते हैं। माँ ये बांस से बना हुआ कूलर बहुत अच्छा है, बहुत ठंडी हवा आ रही है। सच में माँ, इससे आ रही हवा बहुत ठंडी है। दोनों बच्चों को इस तरह खुश देखे अनामिका का मन भी बहुत खुश हो जाता है। तभी उसे लगता है अगर वो बांस के पेड़ से और भी कूलर बनाए तो कई लोगों की मदद भी हो जाएगी। ये बात वो अपने पति और ससुर जी से कहती है। पिताजी तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी तरकीब सोचा है बहू, लोगों को कम भाव में बांस के पेड़ का कूलर मिल जाएगा और हमारे घर में भी दो पैसे आएंगे। हम किसी के भी पैसे ठग नहीं रहे हैं और किसी को भी लेने के लिए नहीं कह रहे हैं। हम घर के बाहर रख देंगे, जिन्हें पसंद आएगा वो यहाँ से लेके जाएंगे। हाँ अनामिका तुम बस बनाती रहो, मैं जाकर जंगल से कुछ और बांस की टहनियाँ काट कर लेकर आता हूँ। कहकर रमेश कुल्हाड़ी लेकर
घर से जंगल के तरफ चला जाता है। उस रात शारदा जब घर वापस आती है, घर में बांस से बने हुए कूलर को देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। अनामिका ने जो कुछ हुआ सब कुछ खुल के बताया कि और भी बांस के कूलर बनाने से गरीब लोगों को बहुत मदद हो जाएगा और उससे कुछ पैसे वो कमा भी लेंगी। वो बांस के कूलर बेचकर अनामिका काफी पैसे कमा लेती है और उससे शारदा का पूरा परिवार सुखी जीवन जीने लगता है। और इस तरह बांस का कूलर सस्ते दामों में बनाकर अनामिका और उसके पूरे परिवार बहुत नाम भी कमा लेते हैं। ये थी आज की कहानी। नई कहानी लेकर हम जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।